तो भाई लोग जैसे कि पठान का ऑफिशियली टीजर आ चुका है और सबका जो रिएक्शन निकल के बाहर आ गया, आज मैं आप लोगों को वही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं जो बोल रहे थे कि पठान मूवी नहीं चलने वाली, फ्लॉप होगी या मूवी ये चलेगी नहीं, तो आज उनके मुंह बंद हो चुके हैं, वो ही अपने मुंह से भैया बढ़ बढ़ के तारीफ कर रहे हैं और उनको इतना पसंद आया कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाहे जो भी बॉलीवुड का हो या हिंदुस्तान का बड़ा क्रिटिक्स हो, चाहे यूट्यूबर्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स हों जो हेट करते हैं, शाहरुख खान को पसंद नहीं करते, वो भी आज तारीफें कर रहे हैं। चाहे आप लोग रिएक्शन हर जगह पर देख सकते हो, क्योंकि इतना रिएक्शन और इतना रिव्यू, सब लोग चीख चीख कर बोल रहे हैं कि यार क्या मूवी है, यही तो हमको चाहिए थी। और पठान को और बॉलीवुड को सबको हर जगह पर बचाने के लिए अपना किंग आ चुका है, वो है शाहरुख खान, क्योंकि नाम ही काफ़ी है बंदे का, क्योंकि मूवी जैसी भी हो यहाँ तो उसको एक्शन करते हुए नजर आ रहा है, यहाँ तो उसके लंबे बाल, वहाँ तो आप लोग इतना बढ़िया एक्शन जॉनी ब्राह्मण के साथ, दीपिका पादुकोण के साथ, और आप लोगों को केमियो टाइगर भैया का देखने को मिलेगा। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि ये मूवी अब की बार तो भैया 500 तो क्या 1000 पार करने की भी लिमिट रखती है और उससे ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड का चर्चा आप लोग जानते हो ऐसा कि कितनी पावर रखती है वर्ल्ड वाइड मूवीज। हमेशा भैया जितनी मूवीज बॉलीवुड की रिलीज हुई है उनमें से सबसे ज्यादा टॉप पे जो रही है वो एसआरके की मूवीज रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वो आग लगा देते हैं, वर्ल्ड वाइड उनकी फैन फॉलोइंग जैसी तो भैया आज तक मैंने तो कभी नहीं देखी। और पठान के टीजर की अगर मैं बात करूं तो वो तो व्यूज के मामले में रिकॉर्ड तोड़ ही रहा है, क्योंकि 100 मिलियन तो भैया क्रॉस कर ही जाएगा। और एक चीज जरूर कह सकता हूं कि पठान के टीजर को देखने के बाद जिस तरीके उसमें VFX यूज हुए हैं, जिस तरीके उसमें हाई स्किल का एक्शन है, जिस तरीके स्टार्टिंग में आप लोगों को जो लुक देखने को मिलता है एसआरके का, वो आप लोग हैंड फाइट देखने को मिलती है, वो जो आप लोग को गाड़ियों वाली फाइट देखने को मिलती है, वो देखकर आप लोग बहुत ही चौंकने वाले हो। पर्सनली मुझे तो टीजर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया है। तो उम्मीद यहीं से बढ़ जाती है कि टीजर तो भैया सबको पसंद आ रहा है, लेकिन ट्रेलर आप देखना पड़ेगा, ट्रेलर किस तरह से बनाते हैं, फिर मूवी आएगी तब तब पता चलेगा कि मूवी किस तरह की होती है। पब्लिक को पसंद आ गई तो फिर तो भैया ये मूवी तय करती है कि 300 और 400 और 500 करोड़ तक भी मूवी जा सकती है। तो क्योंकि इसमें आप लोगों को बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल रहे हैं, एसआरके हो, अगर जॉन इब्राहिम की अगर बात करें तो केमियोज़ की अगर बात करें तो बहुत कुछ यहां देखने को मिलने वाला है। और दूसरी तरफ देखें तो वायरफ का ब्रांड भैया आप लोग पता है कि वायरफ जब भी माल को एक्शन वाला लाती है तो बहुत ही लोगों को पसंद आती है, तो यहाँ सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन है तो बहुत ही उम्मीद बढ़ जाती है। पर्सनली मुझे इस मूवी का बहुत इंतजार है, अब देखना पड़ेगा 4 सालों के बाद एसआरके कम बेके तो वो ये मूवी कितना अंगार मचाती है, पब्लिक कितनी पसंद आती है वो देखना पड़ेगा। आप लोग की क्या राय, आप लोग बताएं, आप लोग टीजर देखा, आप लोग अच्छा लगा, बुरा लगा, आप लोग पसंद आया नहीं पसंद आया, कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो आप लोग सबसे पहले, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।